जी, तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जयवीर जी। आप दिल्ली से हैं और आप तो बहुत लंबे समय से, मतलब जब से मैं यहाँ हूँ तब से तो आ ही रहे हैं, मुझसे पहले से भी आप आ रहे हैं। लगभग मुझे लगता है 20 साल हो गए, शायद ज्यादा हो गया होगा। 20 से भी ज़्यादा साल हो गए। तो प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में आप मूल, चूंकि आप खुद भी प्राकृतिक चिकित्सक हैं, नहीं, मैंने आपने कोर्स भी किया। कोर्स किया हुआ है, हाँ, तो मूल क्या लगता है आपको कि बेसिक प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ का रखा जाना चाहिए और आपको यहाँ कैसा लगता यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग। इससे ज़्यादा बहुत कुछ अच्छा बढ़िया, होता ही नहीं। सही है सही है। दूसरी बात यह कि जो आदमी ये देखते हैं कि यहाँ ये ऐसा पड़ा है, ये गंदा है, ये है, जो देखते हैं जी उनको ये पता ही नहीं है कि असलियत क्या होता है, गंदा क्या होता है, अच्छा क्या होता है, पता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही जो है। आदमी यहाँ का खाना खाते हैं, केवल अगर वो आदमी 1 महीने तक खाना खाए तो उसको ये पता चलेगा कि बॉडी में क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही है अदरवाइज तो सही ये है। देखता है कि लोग, यहाँ भी ऐसे आते हैं लोग नमक डाल डाल के खा लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जबकि हाँ मैं देखता ऐसा, हूँ कभी कभी, हाँ, डब्बा रखा हुआ है यहाँ तो कुछ करने सही के है, लिए, बिल्कुल बिल्कुल सही है जबकि वो एक अच्छा नहीं है। सही है। और मैं ऐसा हूँ कि अगर मुझे कोई बिना नमक की भी देना का सब्जी, घर में भी तो वो खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सही है। कहा भी जाता है आहार के लिए कि आहार ही है, तो जैसा आप खाएंगे वैसा ही आपका शरीर हो ये तो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बोया पेड़ बात बबूल का तो आम कहाँ से ये खाएगा। तो बिल्कुल सवा सत्य है। बिल्कुल और बिल्कुल एक चीज सही मैं है। बताऊं आपको, ये मैं आपको भी बता रहा हूं कि आदमी का जो फैट और ये बढ़ा कैसे खाने से, और बिल्कुल बिल्कुल सही है। 100% चला जाएगा खाने से। हाँ, केवल खाने से ही जाएगा। बिल्कुल आपके यहाँ जो जगह जगह लिख दिया है, लोग पढ़ते भी नहीं होंगे कि खाना हमारा एक मेडिसिन है, बिल्कुल लेकिन मैं कहता हूँ वो 80% सही है। बिल्कुल अस्सी सही। परसेंट तो खाना ही सही कर देगा आपका। अपना तो कहावत भी है कि फूड इज योर मेडिसिन जी एंड योर किचन इज योर फार्मेसी, बिल्कुल बिल्कुल। कि आपका आहार ही आपके लिए औषधि है अगर उसको सही सुचारू मात्रा में सही तरीके से सलीके से खाया जाए, जी और किचन में जो चीज़ें ज़रूरी हैं अगर उनका सही संतुलित मात्रा में उपयोग किया जाए तो आपको फार्मेसी भी जाने की ज़रूरत नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी, जरूरत बिल्कुल। आप एक आप चीज़ और बोल रहे थे अभी जी कि खून का संचार पहुंचाना प्राकृतिक चिकित्सा का मूल श्रेय माना मूल जाता है। श्रेय इसलिए है कि आप किसी चीज़ को भी गर्म करेंगे, बिल्कुल फिर ठंडा करेंगे, ब्लड आएगा और जाएगा, बिल्कुल तो बिल्कुल आपका तो ट्रीटमेंट जो है वो ब्लड को भेजना और उसको हटाना और भेजना, हटाना और बिल्कुल भेजना, खून उसी से का, इलाज है। बिल्कुल खून का संचार शरीर के हर भाग में पहुंचे, एक तो ये, और दूसरा जो शुद्ध खून पहुंचे, शुद्ध पहुंचे। बस दो ही चीजें हैं कि एक तो खून को शुद्ध कर दिया जाए, खून जी में जो पोषक तत्व तो होने चाहिए जी वो पहुंचाए जाएं, जी इसके लिए आवश्यक होता है कि संतुलित भोजन लिया जाए, जी और दूसरे नंबर पर संतुलित भोजन लेने के बाद भोजन पचे, पचे। हाँ, क्योंकि अगर खाना खाया गया है केवल पचा नहीं है तो फिर तो बेकार भी है। बेकार है। तो पचे, शरीर में लगे और बेकार का निकले, जी उसके बाद जो शरीर में लगे मतलब खून, रसो रक्त, रस से रक्त बनता है, जी अच्छा रक्त बनेगा, और फिर उस अच्छे रक्त को पूरे शरीर में पूरे शरीर संचारित कर भेजा दिया भेजा जाए जाएगा। तो वो डेफिनेटली पूरे शरीर के किसी भी प्रकार के रोग के लिए बिल्कुल बहुत इफेक्टिव माना जाता है। बिल्कुल। आधे बहुत चीज़ तो बढ़िया। ऐसी होंगी बिल्कुल बिल्कुल सही जिनको है। आप बता हम बताते भी नहीं होंगे आपको बीमारी अपनी, बिल्कुल और सही है। पता चला वो तो वो भी ठीक हो गई। वो भी ठीक हो जाती है। बिल्कुल हंड्रेड बिल्कुल। परसेंट ये है तो आपके द्वारा पहुंचाए गए बहुत सारे लोग भी यहाँ आते हैं, जी लोग बताते हैं कि जी डॉक्टर साहब ने भेजा हुआ है। लगभग मुझे लगता है कोई सैकड़ों लोग तो मैं साल भर में ही देख नहीं चुका साहब, डॉक्टर साहब वो तो आप, वो तो आपके यहाँ की जगह लगती है बिल्कुल और वो सही। उनकी भलाई लगती है। तो उनको जब वो यहाँ से लौट के जाते हैं तो उनका फीडबैक कैसा उनका रहता फीडबैक ये रहता है, भैया भैया कैसा भी हो ठीक हो ना, तो वहां चले जाए बस। ये लोगों ने रटा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत, हाँ, ये ये एक कहते बहुत हैं बड़ी बात बिल्कुल। होती है। हाँ, नहीं कहते हैं लोग, क्योंकि हमने वो जो राम ये है ना जिंदल, हाँ लोगों ने जिंदल भी देखे हैं पहली बात, उसके बाद भी उन्होंने वो भी केमिकल मिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका तो आदमी का सेटिस्फेक्शन करके दिमाग से, सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा होना हाँ चाहिए अच्छा लोगों होना का। चाहिए लोगों का, बिल्कुल बिल्कुल आराम बिल्कुल आराम से सही नहीं, सही यहाँ वो चीज़ कम है लेकिन आराम अपन ज़्यादा है। अपन कोशिश ये करते हैं कि लोग सेटिस्फाई, हम यहाँ लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बैठे हैं। जी बेसिकली चिकित्सक का काम होता है चिकित्सा करना। जी अब होटेलियर्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि कंफर्टेबल स्टे रहे, लोगों को मज़ा आए, अच्छा लगे, लोग ये कह के जाएं कि हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा। हम ये चाहते हैं लोग ये कह के जाएं कि यहाँ लगा तो बहुत बुरा लेकिन इलाज बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन ऐसे भी लोग देखे मैंने यहाँ पे
जो कहते थे जब जब कहीं घूमना जाता है तो मैंने कहा पिकनिक क्या मनाना यार, 8 दिन वहाँ चलो। हाँ सही, ऐसे भी लोग मिले मुझे यहाँ पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और वो रहे हैं और विद फैमिली रहे हैं। विद फैमिलीज रहे हैं। अपने पास तो लोग ऐसे आते ही हैं कि जो एक बार आ जाता है लगभग वो साल में 2 बार आने का प्रयत्न करते हैं। बहुत बढ़िया। बाकी यहाँ जैसा आपकी गौशाला है, उसका दूध है, मैं रियली कहता हूँ अगर मैं 200 रुपए भी खर्च करूँ ऐसा दूध वहाँ मिल नहीं सकता। बिल्कुल मिल ही नहीं सकता किसी कीमत पे। सही है, सबसे बड़ी चीज़ विशुद्ध देसी थारपारकर गाय है। हाँ। और उनको बढ़िया खिलाया जाता है, पूरा रखरखाव रखा जाता है। और दूध भी अपन वो ऐसा वाला नहीं होता कि पूरा दूध निचोड़ दिया बिल्कुल ही, दूध भी अपन उतना ही निकालते हैं। एक गाय से लगभग 2 किलो के 2.25 किलो के आसपास दूध निकल पाता है। तो दूध की क्वालिटी तो डेफिनेटली दूध की क्वालिटी ऐसी है डॉक्टर साहब, जब भी मैं जाता हूँ यहाँ से दूध ले जाता हूँ भाई, ऐसा तो मिलता नहीं अमृत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने कुछ ज़्यादा डिमांड की तो मेरे से ये कहा मैनेजर साहब से, मैंने सिफारिश की कि मुझे दूध दे दो थोड़ा सा, कह लगे नहीं पहले मरीज। तो इसका मतलब ये कि जो दूध लोग पीते हैं वो उनके लिए एक इतनी बड़ी मेडिसिन है। बिल्कुल, इतना शुद्ध। खांसी है आदमी को और यहाँ आदमी कितना छाछ पियो जो खांस के दिखाए तो हम जानते हैं। यहाँ के खांसी लोग कहते ना खांसी करती है छाछ, नहीं यहाँ की तो खांसी ठीक करती है, उल्टा सभी साथ। बहुत बढ़िया। तो बाकी और बाकी लोगों को आप कुछ कहना चाहें? बाकी लोगों को ये कहना चाहूँगा यहाँ आ जाओ, जिसके ब्लड में कोई कमी हो किसी चीज़ की भी टेस्ट करा के आओ और यहाँ रहो 10 दिन और जाकर टेस्ट करा लो, ठीक मिलेगा अपने आप पता चल जाएगा, दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया। रही बात बीमारी की, बीमारी तो यहाँ ठीक हुई होंगी और सुरग जैसा आश्रम है, रह लो जिसको रहना है। पैसे तो बहुत खर्च करता है आदमी, जगह नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सभी का धन्यवाद, जो सुन लेगा उसको भी धन्यवाद।